हेलो गाइस, वेलकम टू चंदा दी रसोई 24। आज मैं हरियाली चिकन बना रही हूँ। उसके लिए मैं चिकन ली हूँ। ये 400 ग्राम हमारे पास चिकन है और ये मैं दो प्याज कट कर ली हूँ। ये दो हरी मिर्च इसमें मैं डाल दूँगी। अब मैं अपने कढ़ाई की ओर आती हूँ। इसमें मैं तेज पत्ता, दालचीनी और थोड़ी सी जीरा और इसमें मैं लहसुन, थोड़ी सी ये मैं अदरक गोलकी और जीरा का मिक्सचर पीस के रखती हूँ। दो मिनट मैं इसे भून के, ताकि लहसुन और अदरक का स्मेल थोड़ा कम हो जाए। अब मैं इस पर प्याज डाल देती हूँ। अब मैं इसे मिक्सी के जार में ये धनिया और पुदीना है ये मैं ले ली हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें प्याज भी डाल दी हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ी सी ये भी प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ और थोड़ी सी दो चम्मच दही डाल के मैं इसका पीस देती हूँ। इसे मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, थोड़ा सा सौते कर रही हूँ। अब मैं इसमें अपने चिकन को डाल देती हूँ। चिकन आप जब भी बनाएं या भूने तो फुल फ्लेम पे भूने, कभी भी चिकन को हाफ फ्लेम पे मत भूने। अब मैं इसमें थोड़ी सी नमक और एक चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि मैं हरियाली चिकन बना रही हूँ इसमें मैं आज लाल मिर्च स्किप कर रही हूँ। अब मैं इसमें ये अपने पेस्ट को डाल देती हूँ, पुदीना, हरी मिर्च और धनिया। अच्छा स्मेल इसका आ रहा है, पुदीना, धनिया और हरी मिर्च का। सारे को मैं इसमें डाल दूँ। इसे मैं फुल फ्लेम पे अभी भूनूंगी दो मिनट। अब मैं मैं गैस का फ्लेम कर देती हूँ, क्योंकि मैं दही डाल रही हूँ। ये अराउंड आधा कप मैं दही डाली हूँ। आप इसे सिम कर दें, नहीं तो आपकी जो दही है वो कर्डल हो जाएगी। मैं फ्लेम बढ़ा देती हूँ। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ये क्रश किया हुआ है इसे भी डाल दी हूँ।
मेरा होममेड बटर था वो भी मैं डाल दी हूँ। कितना अच्छा इसका कलर देखिए फ्रेंड, कितना हरियाली चिकन हरियाली लिए हुए हैं देखिए। ये हेल्दी होता है क्योंकि पुदीना है इसमें, धनिया है, धनिया जो है सो बहुत ही ठंडा होता है और पुदीना भी तो डाइजेस्ट को ठीक करता है। अच्छा इसका कलर आया है, अरोमा तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ी सी मैं इसमें धनिया पाउडर और डाल देती हूँ। बहुत हल्के मसाले से मैं इसे बना रही हूँ। हमारा चिकन बन के तैयार है, अब मैं इसे हमारा चिकन चुका है, अब मैं इसे डिस आउट कर देती हूँ। ऊपर से मैं इसमें देखिए कितना बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, कोई मसाले नहीं है फ्रेंड इसमें, और कितना जल्दी मैं इसे बनाई हूँ। आप भी इसे ज़रूर अपनी किचन में ट्राई करें और बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वंस अगेन थैंक यू।